हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो हम लोग बिहार स्पेशल जीके का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज इस वीडियो में अंग्रेज और बिहार इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले या जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है बिहार स्पेशल जीके का, आप वहाँ पर जाएंगे आपको सारे ही वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, इसके बाद बिहार का जो उपनवाब बना था वो कौन बना था? तो प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के साथ हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि बिहार का जो उपनवाब है वो किसको बनाया गया था? मीरन को बनाया गया था। ठीक है, बिहार का उपनवाब किसको बनाया गया था? तो ये यहाँ पे उपनवाब दिया है, ठीक है, उपनवाब, तो ये मीरन को बनाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर जो स्थानांतरित किया था वो किसने किया था? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर ले आया था। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगह पे, तो मीर कासिम ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला जो प्रथम ब्रिटिश यात्री था वो था राल्फ फिच। ये अकबर के शासनकाल में ही आया था, सबसे पहले यही आया था, सो राल्फ फिच हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किसने किया था? तो सबसे पहले बिहार में पूछ रहा है, ठीक है, बिहार में ब्रिटिश शासन का जो विरोध है ये अली गौहर के द्वारा किया गया था। अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय है उसी का नाम है अली गौहर, तो शाह आलम द्वितीय ने ही किया था सबसे पहले विरोध बिहार में ब्रिटिशों का। नेक्स्ट है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो पटना का घेरा अली गौहर के द्वारा डाला गया था 1760 ईस्वी में, अली गौहर शाह आलम द्वितीय उन्हीं का नाम है ये अली गौहर। नेक्स्ट है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किस शासक के द्वारा प्रदान किया गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी, उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो है इसको इसने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। तो ये कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर क्यों हस्तांतरित की थी? तो हमने पढ़ा कि कौन सा नवाब था जिसने मुंगेर में राजधानी बनाई थी, तो मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर बनाया था राजधानी मीर कासिम ने, लेकिन ये क्यों हस्तांतरित किया इसने? प्रशासनिक सुविधा के लिए, मुगल शासक के आक्रमणों के कारण, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, या फिर सभी उपर्युक्त सभी के उद्देश्य थे? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर इसलिए ले गया था वो क्योंकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहता था, सो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, इसका गठन कब हुआ था? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो है इसका गठन किया गया था 1770 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी के द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? तो धीरज नारायण को हटा करके सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का जो नायाब दीवान है ये बनाया गया था 1767 ईस्वी में, कब बनाया गया था? 1767 ईस्वी में। ये भी बक्सर के युद्ध के बाद ही हुआ था, बिहार का जो नया बनाया गया था सिताब राय को बनाया गया था, और बंगाल का मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था, है ना, ये याद होगा आपको। तो ये कब हुआ था? 1767 में बनाया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो पटना में जो गोलघर है आप लोग जानते होंगे, तो ये अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, किस लिए किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, ठीक है, अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो गोलघर का जो निर्माण है ये अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, और ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था, और किसके द्वारा कराया गया था? तो गोलघर का जो निर्माण है ये करवाया गया था जॉन गैस्टीन के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, लेकिन किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में क्या सही है? तो बिहार में अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक परिवर्तन किए थे उसके संबंध में सही कथन बताना है। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि एक सारण और दूसरा चंपारण कर दिया गया। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। तो बिहार में जो अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे उसके संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और 1866 में सारण जिला का दो भाग कर दिया गया था, एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो है ये पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। नेक्स्ट है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिशों को किसने दिया था? तो बिहार से ब्रिटिशों को सोरा और अफीम जो है मिलता था अच्छी मात्रा में, तो सोरे का जो व्यापार था इसका एकाधिकार ब्रिटिशों को दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये मीर जाफर ने दिया था। ठीक है, मीर जाफर ने ब्रिटिशों को जो है सोरे के व्यापार का एकाधिकार दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया? तो मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था 1757 से 58 में, ये आरंभ हुआ किया गया था राजा राम नारायण के द्वारा, पहलवान सिंह के द्वारा और कामगार खान एवं सुंदर सिंह, इन सब ने जो मिल करके 1757-58 में बिहार में मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरम्भ किया था। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों का जो कारखाना है वो मुंगेर में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सेना की ओर से नेतृत्व कर रहा था कौन? हेक्टर मुनरो जो है ये ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुआ? बक्सर के युद्ध में विजय किसको प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1781 ईस्वी में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो बिहार में पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1781 में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष हुआ था, इसमें भाग लिया था इकबाल अली खान और नारायण सिंह, इन दोनों ने ही भाग लिया था। उपर्युक्त ए और बी दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट है, 24 जून 1763 को पटना नगर पर किसके द्वारा अधिकार कर लिया गया था? 23 जून 1763 को पटना नगर पर अधिकार कर लिया था एलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 1763 में पटना में ब्रिटिश कारखाने पर कब्जा किसके द्वारा कर लिया गया था? तो 1763 में पटना में ब्रिटिश कारखाने पर जो कब्जा कर लिया गया था ये कब्जा कर लिया गया था नवाब मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, नवाब मीर कासिम जो इसने 1763 में पटना में ब्रिटिश कारखाने पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो हमने पढ़ा था कि बक्सर के युद्ध में हार जाने के बाद शाह आलम द्वितीय ने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, तो ये कितने रुपये में दे दी थी? 26 लाख रुपये सालाना इसके बदले में बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने दी थी, तो 26 लाख रुपये।
नेक्स्ट, 1765 में अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का नशा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान था, कि सॉरी दीवानी उपलब्ध करवाने में, नहीं मिस टाइपिंग हो गया, 1765 में अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी है उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, नवाब मुनीरुद्दौला का था। किसका था? नवाब मुनीरुद्दौला का। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली मैं कोशिश करूँगी इसकी वीडियो लाने की। कुछ टाइम से थोड़ी मैं बिजी थी, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही थी, बट अभी मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर जो है बिहार जीके का डेली वीडियो लाऊं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और डेली वीडियो देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छी कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो खुद से एमसीक्यूज़ बनाएंगे और कमेंट में बताइएगा कि आपने खुद से कितने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है, फ्रेशर है, तो कोई बात नहीं, आप लोग मैं जो बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर उसको ही देख लीजिए। ठीक है, और चैप्टर वाइज भी मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि देखिए जो लोग पढ़े हुए होते हैं, जो पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स वाले क्वेश्चन भी वो लोग मतलब बना लेते हैं, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं, जो मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कहीं ना कहीं। और आप लोगों का ही सोच के, मैंने खासकर फ्रेशर लोगों का ही सोच करके चैप्टर वाइज बिहार जी के लाया था, नहीं तो इसको मिक्स में मैं 100-100 क्वेश्चन या 50-50 करके आराम से 5-10 वीडियो में ख़त्म हो जाता। लेकिन चैप्टर वाइज लाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो हर चैप्टर पे क्लियर रहे। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो किसी भी क्वेश्चन में, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको याद रखिएगा बस, और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय एंड टेक केयर।